बिस्मिल्लाहमानी एक हदीस है के कफा बिल मरे कदे बन हद सा कुल लमास समाया आदमी के झूठा होने की ये बात काफ़ी है कि वो जो सुने उसको बयान करे देखिए हदीस के अल्फाज ये नहीं है, जो है। कि जो आदमी झूठ को बयान करे वो भी झूठा है बल्कि शुरू हुई बात को बयान करे असली है कि देखिए अक्सर लोग जो वाकत को बयान करते हैं तो हाफ स्टोरी बयान करते हैं पूरी बात नहीं बयान करते मिसाल के तौर पर एक जुलूस निकले और पुलिस उस पर गोली चला दे तो कहने वाली ये कहेगा पुलिस ने मजबे पर गोली चला दी वो ये नहीं कहेगा कि मजमा इतने जोश पर था कि जब पुलिस वहाँ आई तो उस पर पत्थर मारे यहाँ तक कि उन्होंने पुलिस अफसर को जख्मी कर दिया पुलिस अफसर जख्मी होकर के पड़ा तो इसके बाद पुलिस ने उस पर गोली चलाई इस बयान करेगा भी वही बयान करेगा कि पुलिस ने मजमा गोली चला दी किस्वाने के किसी किस्से को कुछ बयान करना कुछ नहीं बयान करना ये झूठ है क्योंकि इससे ग़लत जहर बनता है मौजूद जमाने में जो मीडिया है कहीं कहीं तो वो न्यूज़ मीडिया है ख़बरों का ज़रिया है लेकिन अमल क्या होता है कि न्यूज़ मीडिया एक इंडस्ट्री है वो न्यूज़ को सेल करता है तो जिसको मकसद किसी चीज़ को सेल करना हो वो उसी चीज़ को बाजार में लाएगा जो सेलेबल हो जिसको लोग खरीदें तो मीडिया के लोगों ने यह जाना है तजर्बे से कि सेंसेशनल न्यूज़ खूब बिकती है नेगेटिव न्यूज़ को खूब लोग पढ़ते हैं तो मीडिया के लोग आमतौर पर यही करते हैं कि वो सेंसेशनल न्यूज़ नेगेटिव न्यूज़ मारधार की न्यूज़ इसको फौरन छापते हैं तो मीडिया न्यूज़ की इंडस्ट्री नहीं है सेट्टिव न्यूज़ की इंडस्ट्री है इसलिए इस हदीस में ये देश इस हदीस से ये बात दिखती है कि न्यूज़ा मीडिया में सुनकर या पढ़कर कभी राय नहीं बनाना चाहिए कभी भी नहीं क्योंकि न्यू वो सेक्टिव न्यूज़ देते हैं तो आप उससे अगर राय बनाए तो आपकी राय जस्टिस पर बबनी नहीं होगी तो इस हदीस का मतलब यह है कि किसी स्टोरी का आधा बैन करना आधा न बैन करना यह झूठ है क्योंकि इसकी वजह से गलत राय बनती है लोग तो किसी को खामखा बुरा किसी को अच्छा, अच्छा समझ लेते हैं तो चूंकि ऐसा बहुत ही कम होता है कि आदमी किसी वाक़े को मुकम्ल तौर पर बांध करे, वो बेशतर हालात में अपने टेस्ट के मुताबिक कुछ बांध करता है कुछ छोड़ छोड़ देता है इस बना पर सुनने वाले के अंदर सही राय बनती है। तो किसी सुनी हुई बात को बांध करना एक बहुत ही ज़्यादा ज़िम्मेदारी की बात है टी वी में सुनकर बार करना अखबार में सुनकर बार करना बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी की बात है आदमी को चाहिए कि जब सुने तो उसका उसकी स्क्रूटनी करे बस मतलब वो सुने कि पुलिस ने गोली चला दी तो स्क्रूटनी करे बस पता चला कि पुलिस ने गोली चला दी याद ही है। मजबे में पर, पुलिस पर पत्थर मारे पुलिस को जख्मी कर दिया तो उसके बाद पुलिस ने गोली चलाई तो आमतौर पर ये होता है कि जो लोग अखबार पढ़ते हैं या टीवी सुनते हैं तो उनकी राय नेगेटिव होती है आमतौर पर नेगेटिव इसी होती है कि वो थोड़ी का हाफ सुनते हैं इस थ्योरी का हाफ पढ़ते हैं वो उसी से राय बना लेते हैं तो हदीस का मतलब यह है कि राय बनाने में आदमी को बहुत ज़्यादा मुहताज होना चाहिए यानी ऐसी राय जो किसी को बुरा किसी को बड़ा अच्छा बताती हो अगर ऐसी राय हो जिसमें कोई अच्छा बुरा ना होता हो तब तो आदमी कह सकता है लेकिन ऐसी बात जिसमें एक अच्छा एक बुरा बनता हो तो वहाँ बहुत एहतियात करना चाहिए हमेशा स्कूटरी करना चाहिए बग़ैर स्कूटरी के बयान नहीं करना चाहिए क्योंकि उससे सुनने वालों के अंदर गरज बनेगा पूरा समाज नफरत का समाज बन जाएगा इस समाज में नेगेटिव थिंकिंग आ जाएगी और जैसा कि इस वक्त आप देख रहे हैं इस वक्त जो समाज में नेगेटिव थिंकिंग फैल गई है हर आदमी नेगेटिव बोली बोलता है उसकी वजह भी है कि लोग हाफ स्टोरी को जानते हैं और उसी को बयान करते हैं इसको नहीं करते उनकी आद, आदत में ये शामिल नहीं है कि वो इसकोटिंग करके जाने कि हकीक़त क्या है अमिदाजी नहीं है लोगों में बस जो पढ़ा अखबार में या जो सुना टीवी में बस उसको बंद करने लगे तो ये नतीजे के एतबार से को एक छोटी बात है नतीजे के एतबार से क्योंकि जो आप बयान कर रहे हैं वो हरकत तो है नहीं वो आधी कहानी है आधी कहानी उस पर बताई दी गई तो इस लिहाज से अगर समाज को नेगेटिव राय बनाने से बचाना है तो लोगों को बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए बातों को बयान करने में बातों को फैलाने में बहुत ज़्यादा एहतियात करना चाहिए और ये मदात जो बन गया लोगों का कि जो सुना वो बयान कर दिया जो पढ़ा वो बयान कर दिया ये सही नहीं है यानी नाइन्टी नाइन परसेंट ये इम्कान है कि उसमें आधी बात बयान की गई हो आधी बात का जिक्र न हो तो इस किस्म की रिपोर्टिंग इस किस्म की बातें लोगों को बताना अपने नतीजे के अतबार से दुआ कि छूट है क्योंकि जो राय बनी वो हक़ हरकत पर मबी नहीं थी असल हर तक कुछ और थी राय बनाने लिया कुछ और मैं समझता हूँ कि ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है अपने आप को गुनाह से बचाने के लिए और समाज को नेगेटिव बनने से बचाने के लिए अल्लाह फरमाए